सियाटिका एक तरह का रेफर्ड पेन है, जो कि जिसकी वजह लोअर बैक है और पेन महसूस लिम में, लोअर लिम पैर में होता है, जो पैर की पिछली साइड से नीचे तरफ होता हुआ पंजे तक पैर में जाता है दर्द। करंट की तरह शूटिंग पेन होता है, कई बार एक पर्टिकुलर पोस्चर में वो इन्हांस एकदम एग्रीवेट हो जाता है पेन। और इसकी जो सबसे कॉमन वजह जो है वो है डिस्क डिजीज़, अनगाइडेड वेट उठाना, जिसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर जाता है। जब डिस्क स्लिप करता है तो वो सियाटिक नर्व की जो रूट्स हैं, जो जहाँ से ओरिजिन होता है बैक से, वो कंप्रेस हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन है L4-L5 के बीच में, जिसमें जो है डिस्क बाहर निकलती है तो L4-5 कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस होते हैं तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आती है तो पेन, और पेन उसका जो भी स्प्लाइंग एरिया है, वो बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग और लेते हुए पैर की पंजे की तरफ जाता है। सबसे मुख्य वजह सियाटिका की डिस्क डिजीज़ है, जो कि डिस्क बाहर निकल जाती है तो वो जो नर्व रूट्स हैं, जो सियाटिक नर्व्स की जो जहाँ से ओरिजिन होता है, वो कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग की वजह से पेन होता है, जो कि एक साइड में रेडिएट करता है बैक ऑफ द थाई से होते हुए पूरे पैर में जाता है, एक करंट की तरह महसूस होता है और काफ़ी डिस्टर्ब करता है वर्किंग को। दूसरी वजह है स्पोंडाइलोसिस, जो कि एजिंग की वजह से सियाटिका हो जाता है। उसमें क्या होता है कि डिस्क डीजनरेट कर जाती है, गैप कम हो जाता है, गैप कम होने की वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है और पेन होता है। लोअर बैक पेन के साथ अगर आपको सियाटिका है तो उसकी वजह कितना है, कितना डिस्क, सपोज डिस्क की वजह से है, इसको हम तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स हल्का सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा सीवियर है। बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इसका सर्जिकल उपचार है, उसमें काफ़ी एडवांसमेंट है आज के युग में, जिसमें कि दूरबीन से ही डिस्क को बाहर निकाल के उसको डीकंप्रेस कर देते हैं नर्व रूट को, जिससे कि उसके ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। डे केयर में ये सर्जरी आजकल अवेलेबल है। अगर मॉडरेट अमाउंट है तो बैक रेस्ट, पोस्चर केयर, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, एब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन काफ़ी ज़रूरी है। वेट फॉर 3 मंथ्स, सपोज 3 महीने में आपको रिलीफ हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर इसके लिए भी आपको सर्जिकल ऑप्शन है। तीसरे वैरायटी है माइल्ड, जो कि हल्का सा वो है, जस्ट जो डिस्क है हल्का सा सियाटिक नर्व की रूट्स को टच करती है उसमें, तो वो उसमें रेस्ट लेना, फिजियोथेरेपी लेना और मसल एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और अगर वजह यूरिक एसिड, सपोज बैक पेन का वजह यूरिक एसिड है तो उसका उपचार लेना, एसोसिएटेड अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना, पोस्चर का केयर करना, ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है।